सुगम मुगु जो चैनल है, आप सब शायद केयर किए होंगे कि नहीं केयर किए होंगे ये तो पता नहीं है, लेकिन जो केयर किए होंगे कमेंट जरूर करिएगा। मेरा कोई मदद करने वाला नहीं है, कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है। वहाँ वहाँ मैंने चक्ती लगा दिया, स्टिकर्स लगा दिया है कि कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ गया। मैं तुरंत उस वीडियो को डिलीट कर दिया। बच्चे के वजह से आज सुगम मुगु चैनल हमारा डिलीट हो जाता है। सही बात है, कभी कभी हम लोग खुद सोच में पड़ जाते हैं कि इतना वीडियो यूट्यूब पे आ रहा, अश्लीलता मतलब साया उठा के सब बना दे रहे हैं या साया। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आरके रजनी कौशल में। और अभी आज है 24 तारीख, आज का दिनचर्या में ऐसे ही बने रहिएगा। अभी सुबह का समय 9 या 9:30 हो रहा होगा और मैं ब्रश कर रहा हूँ। आज बहुत ही लेट उठा हूँ, बहुत ही लेट, क्यों? क्योंकि रात में तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, सर्दी जुकाम वगैरह हमको भी, हमारी वाइफ को भी हो गया था और हो गया है, अभी तक है, ये नहीं कि ख़त्म हो चुका है। मेन बात यह है ना, जैसे कि वहाँ हम लोग शहर में रहते थे तो वहाँ सीधे सीधे हवा नहीं आता था, वहाँ गर्मी लगती थी। यहाँ जो है यहाँ ठंडी लग रही है, हवा आ रहा है सीधे सीधे, मौसम चेंज है वहाँ से यहाँ, तो पानी भी चेंज है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जा रहा है, सर्दी जुकाम हो जा रहा है। और हम रात को आप सभी को कल पिछले वाले वीडियो में देखेंगे कि आगे बताया थे, आगे का ये कठिन नहीं दिख रहा है, ऐसा लग रहा था कि उड़ी जाएगा, क्योंकि रात भर सोए थे और भड़बड़ जैसे हवा बह रहा था वैसे भड़बड़ एकदम डर लग रहा था, कहीं अब ना उड़ जाए, एकदम भड़बड़ की आवाज़ आ रही थी। पर अभी हमारी वाइफ नहा धो के रेडी हो चुकी हैं, जो कि यहाँ हम लोग आ तो गए थे, लेकिन अभी तक हम अपने घर के देवी देवता या जो भी भगवान हैं उनका पूजा पाठ नहीं किए थे, तो उनका पूजा पाठ आज कपूर अगरबत्ती जो भी हम लोग वो मानेंगे बारेंगे, तो हमारी वाइफ बारेंगे। हाँ, उत्तर दक्षिण के पूजा का जला पूर्व पश्चिम और ठीक रहला। उत्तर दक्षिण है, उत्तर दक्षिण कई जरा दक्षिण सुने लेना है, कई जला बस हे भाई बना ही ला। अभी यहाँ गणेश जी का मूर्ति लगा है, यहाँ गणेश जी रश्मि जी, अभी इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे, थोड़ा सा दीवार पे सेट करेंगे, अभी बना नहीं है सेट करने वाला, यहीं फिलहाल भी पूजा पाठ कर लेते हैं। यहाँ देखिए पूजा पाठ किया जा रहा है, और हे घर के देवी देवता हमारे ज़िंदगी में सुकून लाइए, और जो भी अगर हमसे गुस्सा हो चुके हैं तो क्षमा चाहते हैं, कपूर अगरबत्ती आपके नाम पे, क्योंकि कल रात से हम लोग का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, कोई काम करने का इच्छा ही नहीं कर रहा है, सर्दी जुकाम सब कुछ वगैरह धर लिया है। यहाँ के जो डी बाबा हैं, यहाँ के जो इस धरती के जो रखवाले हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि हमारी ज़िंदगी में सुकून दीजिए, हमारी ज़िंदगी को अच्छा निपकाइए। अभी फिलहाल दोस्तों हमारा बाबू इतना रो रहा है, पता नहीं क्यों रो रहा है, हम कुछ खाए भी नहीं है, पेट दर्द कर रहा है या कुछ दर्द कर रहा है, कुछ भी नहीं रहा, फिर भी ऐसे ही चिल्ला रहा, रो रहा है, छुपा नहीं रहा है, क्या पता है आप सभी को। तो सोचे आज रात को मेरे हस्बैंड का तबीयत और मेरे बाबू का, हम लोग का बाबू का दोस्तों अभी शाम का समय है और मैं सुबह से वीडियो नहीं बनाया हूँ, कोई भी क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया हूँ, क्योंकि तबीयत सही नहीं था, इसकी वजह से घर में लेटे लेटे हम लोग परेशान हो रहे थे, क्या किया जाए क्या नहीं, कोई काम भी नहीं हुआ और समय भी बहुत कम है। फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं गांव की ओर मतलब अभी जा रहे हैं बीमटी, आप सब जान रहे होंगे जानीपुर के पास है, तो वहाँ भी हम लोग निकलने, सारे लोग तैयार हो चुके हैं, हम भी तैयार हो चुके हैं, और बाल को आप सभी बार बार कमेंट कर रहे थे बाल अच्छा नहीं लग रहा, हमें भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन समय नहीं मिला था काटने के लिए, तो अभी कटवा लिए हैं। अभी देखिए अभी कुछ कुछ ख़राब है, जब वो ख़राब वाला बाहर बाल ऊपर आ जाएगा उसके बाद कटवाएंगे तो सही हो जाएगा। अभी फ़िलहाल देखिए अभी हमारी वाइफ देखिए हमारे पास अभी नेचुरल होया, क्या हाल है? आए थे सपनों का घर देखने, लेकिन बहुत ही भंडार लगा दोस्तों, मन कर रहा है यहीं पे सो जाए। हवा कैसा आ रहा है? बहुत नेचुरल आ रहा है। चलिए ठीक है।
दोस्तों अभी सफर करते करते पहुंच चुका हूं बाघागढ़ा मंदिर के पास। कौड़ी राम को रास्ता जाता है वो है बाघागढ़ा का मंदिर। अभी बहुत शाम हो चुका है आते 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 को समय दिखा दूं, समय हो चुका है 6:01 और मोबाइल भी डिस्चार्ज। अरे चार्जर लिया ही ले चार्जर सब नहीं लिए हैं। चार्जर ली दोस्तों बाबू बुखार गया है जब से पिला रहे का बताएं रास्ते में बहन मुंह यार किया कोई चीज तो अभी बच्चे को यहाँ रुक के दूध पिला रहे हैं क्योंकि काफी ज्यादा चिल्लाने लगा। गाड़ी के थोड़ा सा किनारे मतलब इधर रास्ता खाली है पूरा, जैसे कि वन लेन वाला है तो टू लेन बन गया है। चलिए निकलते हैं। फाइनली दोस्तों अभी पहुंच चुका हूं जो कि ये गांव है टणवा, यहां अभी जानीपुर के जो कि बगल में है और काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं जानीपुर से, तो अभी पहुंचा हूं। बहुत दिन में ही पहुंचा था लेकिन वीडियो अभी को स्टार्ट कर रहा हूं। खाना वाना खा के सोने जा रहा हूं तब मैं स्टार्ट किया हूं। आज वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था लेकिन फिलहाल सोचे चलिए कुछ ना कुछ आप सभी को अपडेट दे दें, तो मैं दिखाते हैं। अभी वहाँ जैसा कि आप सब देख रहे हैं हमारी वाइफ और हमारे बेबी हमारे बच्चे सोए हैं और नकरी वाला सुतल का देखिए। अभी हमारा बेटा आज चैनल हमारा बेटा डिलीट करवाने वाला था लेकिन बच गया। हाँ दोस्तों हमारा आज चैनल डिलीट हो जाता है, ये हमारा चैनल डिलीट करवा चलता हमारा दिखा देता देखिए सबसे बड़ी बात है सुग्गू मुग्गू जो चैनल है आप सब शायद केयर किए होंगे कि नहीं केयर किए होंगे ये तो पता नहीं है, लेकिन जो केयर किए होंगे कमेंट जरूर करिएगा। एक वीडियो पड़ा था जो कि क्या हो कहा मेरा कोई मदद करने वाला नहीं है इस टाइप का टाइटल था और ये कपड़ा खींच रही थी बाबू बगल में खेल रहा था झूला झूल रहा था, तो उसको हम लोग शाम को अपलोड किए अनलिस्टेड में करके। जब अनलिस्टेड में करके अपलोड किए सुबह देखा मेल आया कि योर कंटेंट वाज रिमूवेड, मतलब आपका कंटेंट रिमूव कर दिया गया जो कि कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है, चाइल्ड को हर्ट करता है या फलान ढिमकान। तो हमने कहा कि हाँ गलत लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है वीडियो, तो मैं उसको क्या किया फिर से उसको एडिट किया वीडियो को, और जहाँ जहाँ प्राइवेट पार्ट इसका बच्चे का दिख रहा था वहाँ वहाँ मैंने चकती लगा दिया, स्टिकर्स लगा दिया, उसके बाद फिर से अपलोड किया और उसको फिर से वीडियो पब्लिक कर दिया डायरेक्टली। तो आप सब वीडियो शायद देखे होंगे, कभी जो देखे होंगे वो कमेंट जरूर कीजिएगा केयर किए होंगे तो। और उसके बाद फिर एक डेढ़ बजे फिर हमारा वो कंटेंट वो वीडियो डिलीट हो गया, यूट्यूब रिमूव कर दिया यही बोलकर ये कम्युनिकेटिव गाइडलाइन के खिलाफ है, ऐसा वीडियो आप नहीं अपलोड कीजिए, ये किसी बच्चे कोई ये किसी चाइल्ड हर्ट्स ऐसे कुछ वगैरह देकर हमें मेल किया। दो बार जब मेल आया तो हम पूरा डर गए कि हमारा सुग्गू मुग्गू चैनल पे ये क्या आ गया। पहले तो सुबह सुबह जो आया था हम डर गए कि कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ गया, लेकिन नहीं ऐसा नहीं हुआ, बहुत ही सेफ हमारा चैनल था और मैं तुरंत उस वीडियो को डिलीट कर दिया। उसके बाद आप सब वो वीडियो आपको नहीं मिलेगा, जाके देख लीजिएगा। अभी चैनल डिलीट होने वाला था। बच्चे के वजह से आज सुग्गू मुग्गू चैनल हमारा डिलीट हो जाता है। मेरे बाबू को उनका छुन्नू छुन्नू डालना होगा पत्ता नहीं मारे चट्टी ना पर जुगु पाले गंदा नहीं का देखा रहे थे देखा खाली जीव निकालता है नहीं अजब खाली निकालता पता ना कहाँ है। अगर आप सब भी इस टाइप का वीडियो डालते हैं जो कि बच्चे का प्राइवेट पार्ट सीखते हैं दोस्तों इतने लोग गंदा वीडियो बनाते हैं पूरा उघाड़ देते हैं तो नहीं स्ट्राइक उस्ट्राइक आता हमारे बाबू कैसे फुल्लू निकल तो स्ट्राइक आवे लगे चल वीडियो डिलीट हो जाता बार बार। सही बात है, कभी कभी हम लोग खुद सोच में पड़ जाते हैं कि इतना वीडियो यूट्यूब पे आ रहा अश्लीलता मतलब साया उठा के सब बना दे रहे हैं या साया को सही से साड़ी को सही से नहीं रख रहे हैं सब ऐसे ही बना दे रहे हैं, तो उनका कम्युनिकेटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं आ रहा है लेकिन हम लोगों का आ जा रहा है, हम लोगों का तुरंत वार्निंग आ जा रहा है पता नहीं क्यों। और एक बच्चे का थोड़ा सा दिख गया
प्राइवेट पार्ट उसके लिए दो बार वीडियो को रिमूव कर दिया गया। ये सब ध्यान देना चाहिए, यूट्यूब को भी इसके लिए बहुत ही सख्त होना चाहिए कि जो इस टाइप का वीडियो बनाता है, साया उठा के या साड़ी सही से नहीं करता है, तो उनको ज़रूरी है कि ये सब सही करें। आज तो हम लोग बिल्कुल ही डर गए थे। अभी हम लोग कहाँ हैं दोस्तों? मौसी के घर। मौसी के घर? आपका मौसी घर किधर है? जानीपुर। जानीपुर कहाँ? जानीपुर। गांव का नाम? टाड़ावा। तो आप सभी ने मेरी वाइफ से भी सुन लिया होगा, अभी हमने बताया अभी, और अभी हम लोग सुनने जा रहे हैं। लोग सुने टाड़ावा ना, तो जितने हमारे सब्सक्राइबर होंगे कमेंट करेंगे हम आपके मौसी के यहाँ के हैं, आपके मौसी के यहाँ आप वहाँ गई थी, हम जाने होते तो आपसे मिलने। ऐसा बहुत बार होता है जब हम कहीं जाते हैं, अगर एड्रेस बता देते हैं तो मान लीजिए वीडियो तो अभी अपलोड होगा नहीं, कल अपलोड होगा, तो कल पता नहीं हम रहेंगे कि नहीं, ये ऐसा हो जाता है। तो कई लोग होता है ना कि अरे भैया आप वहाँ गए थे, हम वहाँ, हम भी वहाँ गए थे, आप जब वीडियो अपलोड किए तो आप वहाँ मिले नहीं। तो इतना बात ज़रूर ध्यान दीजिएगा, जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तो वीडियो अपलोड करने का टाइम बाद में अपलोड होता है, वीडियो पहले बनती है। तो जब तक वीडियो पब्लिक होती है तब तक पता नहीं हम वहाँ रहते हैं कि वहाँ नहीं रहते। जो भी हमारे इस गांव से देख रहे हैं, इस एरिए से जो भी हमारे सब्सक्राइबर है, प्लीज़ आप सब जरूर कमेंट कीजिएगा, जानीपुर या टड़वा या बिमटी या डमसा या जहाँ की अगल बगल के जो भी होंगे कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, और आज भी बता दूँ कि हमारी वाइफ जाने वाली थी ससुराल, आप सब थंबनेल देखे थे, तो उसके लिए बाद में हम अपडेट बताएंगे क्यों नहीं जा सकते। ठीक, ऐसे वीडियो में मैंने बाबा जी, बाबा दोस्तों एक जोक सुनाओ या शायरी सुनाओ, कुछ भी बताओ। तब दिल दिया दिलदार को घायल बना दिया, उल्टा बना दिया उल्टा सोना दिया सोनार को पायल बना दिया, दिल दिया दिलदार को घायल बना दिया। ये वाला रिजेक्ट हो गया, दूसरा सुनाइए। चांद के चकोर देखे लापता, रिपीट रिपीट जब देखो तब यही चकोर फकोर, अब कहीं ना तेरे लिए मेरे लिए खुदा कर किसी और को, वो अलग सुना दे, कुछ अलग सुनाइए। कुछ अलग, हम तरसते से जिस पल के लिए, वो पल आया कुछ पल के लिए, सोचा उस पल को रोक ले कुछ पल के लिए, पर वो पल ना रुका कुछ पल के लिए। इनको बस दो तीन शायरी आती है लगता है, जब भी कहते हैं बोलने के लिए बस वही, हर बार वही रिपीट होता है। अच्छा ऐसे ही बताइए, वह रिपीट हो लगना है जब देखा तब। और एक ठेउर, हमने चाहा तुम, हाँ ये वाला रिपीट हो ना, दोस्तों सुना रहे, हमने चाहा तुमको, तुमने चाहा किसी और को, खुदा करे तुम जिसे चाहो वो चाहे किसी और। ये सब रिपीट वाला है सब। कुछ नया सुनाओ बेबी, कुछ नया। सब्सक्राइबर देखिए, सलमान खान की एक फिल्म आई है, किसी की भाई किसी की जान, वो खुद नहीं चल रही है, क्यों? क्योंकि वो जो 50 साल से करते आ रहे हैं वही उसमें भी किए हैं। अच्छा, रिपीट तब ठीक है, हम रिपीट नहीं कर रहे हैं। कौन वाला सुना ली है? कौशल मेरा जान, आई लव यू बस शायरी डाले। हाँ जी, कौन से शायरी वाले? आई लव यू कौशल, आई लव यू कौशल, आई अपने पति का नाम ले रही है, लेटर राम लिखा ना रहा लिखा तब तो नीक लगा था। आई लव यू जान, यही लव मैरिज का फायदा है। लव मैरिज का फायदा यह है कि अपने पति का नाम ले सकते हैं ना जी। बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। हाँ, नाम नहीं कभी लेती हैं। गुड नाइट दोस्तों, बाय।